बेगूसराय में एक विवाहित की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। हालांकि मायके वालों ने दहेज में 50,000 रुपए नहीं देने पर फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पूरी घटना डंडारी थाना क्षेत्र के सुगड़न गांव की है। बताया जा रहा है कि खमहार गांव निवासी शंकर पासवान की पुत्री श्वेता कुमारी की शादी पिछले साल 2022 में डंडारी थाना क्षेत्र के सुगड़न गांव निवासी माधव कुमार के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के समय दहेज के रूप में 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी, जिससे 1.5 लाख रुपए दिया गया था। उस 50,000 रुपए के लिए शादी के बाद से लगातार ससुराल वाले श्वेता को प्रताड़ित करते थे। आज सुबह सुगड़न गांव से किसी ने लड़की के मायके वाले को सूचना दी कि श्वेता की मौत हो गई है। इस सूचना पर मायके वाले जब सुगड़न गांव पहुंचे तो वहां श्वेता का शव घर के बाहर चारपाई पर पड़ा हुआ था और ससुराल के सारे लोग फरार थे। मायके वालों ने इसकी सूचना डंडारी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। श्वेता के भाई ने बताया कि दहेज की खातिर ही ससुराल वालों ने फांसी लगाकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कैसे क्या घटना पूरा हुआ है इसलिए सर, हम यहाँ से गए तो देखे लाश को बाहर में निकाला हुआ था और ये दहेज के लिए मार दिया गया है। 2 लाख रुपया 1.5 लाख दिए थे तो 50,000 बकाया रह रहा था, तो इसलिए उनको मार दिए सब लोगों ने, उनके घर वाले। कब की घटना है ये? घटना सुबह का है, 8 बजे का है। आप लोग को जानकारी कैसे? हम लोग को जानकारी ऐसे मिला कि अगल बगल से जो होते हैं वो लोग फ़ोन किए थे, तब जाके हम लोग को जानकारी घर पे आया था। कैसे मारा है क्या? कैसे मारा? फांसी लगा दिया, सब मिल को फांसी डाल दिया गले में। आप जिस टाइम गए थे तो किस हालत में देखे थे? उस टाइम हम ये देखे कि वो मंजे पर लेटा हुआ था, खटिया पे बाहर में निकाल के रखा हुआ था। वहाँ पे कोई आदमी भी नहीं थे, सब आदमी से पूछ भी रहे थे तो कोई बता भी नहीं रहे थे। क्या नाम है लड़की का? सुरिता। पति का नाम? पति का नाम है माधव। घर कहाँ है? घर लड़की का ससुराल सुगड़न हुआ है, घर खमहार थे। शादी कब हुआ था? शादी का 1 साल हो गया। अभी 1 साल हो गया। आपका क्या नाम है? गौतम पासवान। कौन लेंगे आप लड़की? मेरे बहन थी वो। तो इस लड़की का बच्चा अभी कुछ था या नहीं? कुछ भी नहीं थे।